जय हिंद। आज अत्यंत खुशी है, अत्यंत प्रसन्नता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज पूरे परिवार ने, आज आईटी रुड़की ने टेक्नोलॉजी डे को एक परिवार के रूप में मनाया है। इस वक्त यहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा, बुजुर्ग और हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी इज द एलिमेंट ऑफ पावर, टेक्नोलॉजी इज द एलिमेंट ऑफ वॉर, टेक्नोलॉजी इज द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी। एंड आर्मी कमांडर साहब ने इतना सुंदर से कहा कि डेस्टिनी ऑफ द नेशन विल बी डिसाइडेड हाउ यू प्ले विद द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है विच कैन ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, विकास और हमको विकसित राष्ट्र बनाने में मदद कर सकती है। आज जो मैंने देखा है, जब मैं एच बी वाले बच्चे को सुन रहा था, जब मैं अपनी बेटियों को सुन रहा था, उनका जो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ में गहरा प्यार, लगन, पैशन है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बलबूते पर जो आज मैंने देखा है, भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। आज का जो दिन है, ऐसा लगता है कि आज का दिन संकल्प लेने का दिन है कि हमारा रिजॉल्व क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस प्रकार से स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से आ रही है, इट इज ब्रिंगिंग सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस दैट वी गॉट, दिस इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर वे ऑफ लिविंग। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात साझा करना चाहता हूं कि मैं एक विवेकानंद मिशन के स्वामी जी के साथ में था, तो मैंने स्वामी जी को कहा, बहुत नम्रतापूर्ण मैंने कहा कि स्वामी जी, समय आ गया है कि हमारे स्वामी, साधु, संत, वो भी टेक्नोलॉजी से प्रभावित होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना चाहिए। उनके पास पे भी आईपैड, कंप्यूटर और मोबाइल होने चाहिए, जिस प्रकार वो पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल सकते हैं। तो स्वामी जी ने बहुत नम्रतापूर्ण कहा, कहते हैं राज्यपाल जी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका कदम, अगला कदम एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस की तरफ जाने वाला है। और फिर बात करते रहे और ऐसा लगा कि ये जो कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे साथ में साझा किया है, इस चेंज में इज गोइंग टू एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस और उसके बाद में कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और जब मैं कॉस्मिक इंटेलिजेंस और एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस की बात करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक भारतीय के अंदर में एक नेचुरल लिंक है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि जो कंप्यूटर हैं, जो डिजिट हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इसका संस्कृत के साथ में, हमारी विरासत के साथ में बहुत गहरा लिंक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूटली नेचुरल टू अस। और ये जो समय है, ये जो क्षण है, ये जो दिन है, ये जो सोच विचार और धारणा है, वी हैव टू अडैप्ट टेक्नोलॉजी, वी हैव टू गेट इन टू द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटा, क्वांटम, नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन, रोबोटिक्स। और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने प्रदर्शनी के अंदर में छोटे बच्चों ने जो बनाया है, जो हमारी आर्मी यूनिट 12 राजगीत ने बनाकर हमको दिखाया है कि किस प्रकार हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने हथियारों के साथ जोड़ा, किस प्रकार हमने ड्रोन्स को माइंस के साथ में, एंटी माइंस के साथ में, उस ऑब्स्टिकल का सिस्टम सोच के साथ में जोड़ा, जिस देश के डीएनए ने पूरी दुनिया को जीरो और मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया है, दिस इज नेचुरल इन अस, हमारे अंदर है, हमारे डीएनए के अंदर में है।
अगर देखना है तो सिर्फ अपने आप को अपने इनसाइड में देखिए, अपने ज्ञान ज्ञान की जो धारा अंदर में है उसको देखिए। आईआईटी रुड़की की एक पहचान है, आईआईटी रुड़की ने जो पूरी दुनिया को दिया है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। यहाँ से जो गंगा कैनाल सिस्टम हुआ, यहाँ से जो सिविल इंजीनियरिंग शुरू हुई, यहाँ से जो वाटर इंजीनियरिंग शुरू हुई, कभी कभी ऐसा लगता है कि रुड़की की धरती इतनी पवित्र है। भारत में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में सबसे पहला रेल इंजन रुड़की में आया था। ये जो आईटी इंजीनियर आईटी है 176 इयर्स पार कर लिए हैं, इतनी गहराई है। लेकिन सबसे टचिंग बात क्या है कि आईटी की जो लीडरशिप है वो जमीन से जुड़ी हुई। आईटी की लीडरशिप इज ऑन द क्वेस्ट टू फाइंड सॉल्यूशंस दैट इंडिया इज लुकिंग फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का विश्व गुरु बनना, भारत का विकसित राष्ट्र बनना, भारत के सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की तरफ जाने की तरफ आईटी रुड़की का बहुत बड़ा रोल है। आज इतनी खुशी हुई कि जोर से ताली मारिए, अगर ताली मारने का दिल करता है तो जोर से बजाइए। ₹147 पेटेंट्स बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये दिस डिजर्व्स अ बिग क्लैप। आज हमने सबने मिलकर एक योद्धा को, एक सैनिक को, इंडियन आर्मी के ऐसे लीडर को हमने सबने इकट्ठा होकर सम्मानित किया है, जनरल केके को, वो भी उनके गांव के पास में। उन्होंने, जनरल साहब ने एक बार मेरे को कहा कि राज्यपाल जी आप एक बार हमारे घर में आइए, हमारे गांव में आइए, हम वी वांट टू हैव लंच टुगेदर एंड वी वांट टू कॉल रुड़की पीपल। आई टोल्ड हिम, आई सेड डेफिनेटली वी विल। आज उनका परिवार भी यहाँ पर है और परिवार के लिए एक छोटे से बच्चे को गांव में जन्म लिया, फिर एक इंडियन आर्मी का आर्मी कमांडर बनना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वास्तव में आईआईटी रुड़की द्वारा मेरे प्रति दिखाई गई गर्मजोशी और आतिथ्य से मैं अभिभूत हूं। मुझे उम्मीद है कि आईआईटी रुड़की अपने मिशन में उत्कृष्टता हासिल करती रहेगी और हम प्रगति के पथ पर मिलकर काम करेंगे। मैं सभी स्टार्टअप छात्रों को असीम शुभकामनाएं देता और आत्मा के बल पर। अंत में आप सब से मैं यही कहूंगा कि विश्व में चाहे जहां भी आप जाएं, अपने संस्थान और अपनी जड़ों से सदा जुड़े रहें। आपका यह जुड़ाव आपको और आगे बढ़ने में मदद करेगा, साथ ही जीवन को सार्थक बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होगा। नया अंदाज और नई सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नया अंदाज और नई सोच, कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट सोच विचार और धारणा। आपका थॉट आइडिया और परसेप्शन क्या है? नया अंदाज और नई सोच के जरिए आप अपने परिवार, संस्थान और देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।